There's so many things that I keep in my mind. Like a furnace, there's a reason why we're alive. All the emotions I feel kept inside your body. तो मेरी गाड़ी चल चुकी है अराउंड 2200 किलोमीटर्स और आज ये वीडियो मैंने ऑनरशिप रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि भाई गाड़ी जैसे मैंने खरीदी, अब लाइफ में पहली बार फॉक्सवैगन गाड़ी खरीदी, अभी जर्मन ब्रांड है, इतना आइडिया भी नहीं था मेरे को। मैं वैसे फॉलो करता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बट कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी जर्मन गाड़ी मैं खरीदूंगा, वो भी बॉम्बे में रहते हुए, क्योंकि तो ये थोड़ा स्पोर्ट्स स्टाइल में थोड़ा सा एंथुसियाज्म वाले गाड़ी लोग लेते हैं, गाड़ी जिनको रोज़ बहुत भगानी होती है। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ठीक है सेडान गाड़ी भी है, शॉपर ड्रिवन भी होती है, बट मेरे को ऐसा लगता था। अब मैं गाड़ी ली, पहले मैंने रखी हुई थी i20, तो पहले बड़ी बड़ी गाड़ी सोच रहा था जैसे हैरियर, सफारी वगैरह, लेकिन इंडियन रोड्स के हिसाब से बड़ी ऊंची गाड़ी सही रहती है, मान लिया मोटे टायर वाली, लेकिन जब आप मार्केट में चलाते हो और हर कहीं से गाड़ी निकलती है और वो जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो स्टीयरिंग एकदम फट से मुड़ रहा है या फट से एकदम आप गाड़ी एकदम रॉकेट का निकाल लिया आपने, तो आजकल के यंगस्टर्स यही करते हैं। मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ उनसे, तो मैं भी वही करता हूँ कि गाड़ी अपनी हमें आराम से चलानी होती है, लेकिन थोड़ा पिकअप अच्छा हो। तो इसमें मैंने 1.0 TSI चलाया और GT मैंने जानबूझ के नहीं चलाया, क्योंकि GT मैंने को पता था कि GT चला लूँगा तो फिर मैं वही लूँगा, और वो इतनी हैवी इंजन की गाड़ी रोज़ अगर मैं मार्केट में चला रहा हूँ तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है वो चीज़, और गाड़ी की भी इंसल्ट है ऑब्वियसली। तो मैंने एक 1.0 TSI चलाया, मैं चला के आया, मेरा एक दोस्त है अंकित, उसने मेरे को ये गाड़ी फर्स्टली उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को आइडिया था कि गाड़ी आई है फॉक्सवैगन की, वर्टस लॉन्च हुई है लास्ट मंथ, तो मेरे को आइडिया था सब, लेकिन फिर मेरे को देखा कि यार ये गाड़ी तो 3 सिलेंडर है, तो 3 सिलेंडर में क्या ही कितना ही पिकअप आ पाएगा, कितना ही वो कितना नॉइज़ करेगी और कितनी एवरेज निकालेगी। एवरेज निकाल सकती है, 3 सिलेंडर है तो कहने का एवरेज निकाल सकती है, बट उसके अलावा कि भाई गाड़ी में किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, कुछ लैग तो नहीं करेगा इंजन, ऑटोमेटिक भी लेनी थी मेरे को, मेरा वही माइंड था। तो मैंने फिर उसकी बात सुनने के बाद फिर मेरे को लगा कि चलो गाड़ी चला के आते हैं। तो मैं न्यू बॉम्बे वाले शोरूम पे, नेरुल में जो सेक्टर 1 में शोरूम है, वहाँ मैं गया गाड़ी चलाने। अब वहाँ मैंने गाड़ी चलाई, एक बार गया मैं, फिर उसके बाद फिर मैं एक महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, एक महीने तक मैंने केवल गाड़ी की रिसर्च करी कि भाई गाड़ी चलती कैसी है, यूट्यूब के वीडियोस देखे, रेफरेंस वीडियो भी बहुत आए, मोटर ऑक्टेन, ऑटो ओवर ड्राइव, ऑटो कार, सब जो इतने भी हैं, पावर ड्रिफ्ट, ईवो, जितने भी हैं यूट्यूबर्स और इंडिया में अच्छे हाउसेज जो गाड़ियों के वीडियोस शेयर करते हैं, मैंने सबसे बात की मतलब इन शॉर्ट की उनका वीडियो देखा, तो मेरे को लगा कि यार ये गाड़ी में कोई कमी भी नहीं लग रही है और गाड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर भी कर रही है। फिर मैं उसको दोबारा चला के आया, फिर मेरे को गाड़ी आ गई एकदम पसंद, और फिर मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए सितंबर में गाड़ी कर दी बुक न्यू बॉम्बे के शोरूम से, और मैं रहता हूँ चेंबूर में, ठीक है। अब गाड़ी मेरे को जब मिलने वाली थी तो उन्होंने बोला 1 महीने में मिलेगी, फिर उन्होंने लेट कर दिया, वो अलग इशू है, चलो ठीक है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है डिलीवरी वालों का या शोरूम्स का, कि भाई उन्होंने मेरे को 1 महीने का बोला, प्रॉमिस किया 1 महीने में, लेकिन फिर वो काफ़ी अनश्योर थे, और फिर मेरे को भी लगा कि सोचते हैं अभी। फिर मेरे को कैसे पता लगा कि जो दादर में जो शोरूम है प्रभा देवी में, डाउनटाउन बॉम्बे, डाउनटाउन फॉक्सवैगन बॉम्बे, वहाँ वालों से मेरी बात हुई, क्योंकि किसी ने बोला कि वो गाड़ी जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे बात की, और लकीली उनके पास कार्बन स्टील वाला कलर अवेलेबल था। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, उनके स्टॉक में पड़ा था या उन्होंने, या उनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, मेरे को जिसने बंदे ने बोला उसने ये बोला कि सर आप वहाँ से ट्राई करो गाड़ी, वो उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा जल्दी आती हैं और वो टाइम पर डिलीवर करेंगे। मैंने उनको बोला जैसे गाड़ी, मैंने 22 तारीख को उनको बोला सितंबर को, उन्होंने बोला गाड़ी मिल जाएगी आपको 1 हफ्ते के अंदर। मैंने 23 तारीख को गाड़ी देखी, 23 को मैं बिजी था, 24 को मैंने उनको गाड़ी बुक कर दी, और गाड़ी में 24 को बुक कर दी, और आप मानेंगे नहीं 30 तारीख का मेरा इनवॉइस है, 6 दिन में उन्होंने वो गाड़ी दे दी। वो मेरा पर्सनल स्टैंड था कि मेरे को दशहरे पे गाड़ी की डिलीवरी लेनी थी, ड्यू टू स्पेशल रीजंस, वही अपना स्पेशियस शुभ दिन है, मुहूर्त है, बीवी और मम्मी की बातें मान के कि भाई हाँ चलो अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे दिन करो, तो मैंने 5 दिन और वेट किया उसका कि चलो ठीक है। अभी मेरे को वैसे वेट हो नहीं रहा था वैसे, और मैंने अपनी पुरानी गाड़ी भी सेल आउट कर दी थी, वो गाड़ी मैंने दी Cars 24 को, और Cars 24 में मेरे को बहुत अच्छी डील मिली, मेरी पुरानी i20 डीजल 1,10,000 किलोमीटर चली हुई, 7.5 साल यूज़ की हुई गाड़ी, प्रॉपर फुल मतलब महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके कहाँ कहाँ नहीं घुमाया मैंने उस गाड़ी को। वो गाड़ी मैंने उनको बेच दी, मेरे को उसके 4 लाख पैसे मतलब रुपए मिल गए। तो आप सोच सकते हो कि 4 लाख जैसी इतनी बड़ी गाड़ी मतलब मेरे को 4 लाख रुपए देगी जाते जाते भी, तो Cars 24 की वजह से मिलेगी, कुछ मेरी ड्राइविंग भी सही होगी तो गाड़ी सही थी। तो अब बैक टू द टॉपिक है आज ओनरशिप रिव्यू। तो ओनरशिप रिव्यू में अब ओनर तो बनने में टाइम लगा ना, तो पहले मैं इसलिए आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रहा था कि गाड़ी मैं किस तरह से मैं पहुंचा, मेरी जो जर्नी थी फ्रॉम हुंडई टू फॉक्सवैगन, फ्रॉम i20 टू वर्टस, वो मेरी कैसी रही।
तो बात ये थी कि मैंने फिर गाड़ी 5 अक्टूबर को ली। अच्छा, अब एक माइनर इशू मैं और इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने जब गाड़ी ली तो मैं अब इतना गाड़ी में आप इतना एक्साइटेड होते हो गाड़ी भाई लेनी है उसके बाद आप जाते हो, तो मैंने उसकी पीडीआई नहीं करी जो कि एक तरह से गलत बात है। मैंने बात नहीं करी थी उनसे एक्चुअली पक्षों वाले से, बट वो इतना बिजी थे और वो बोल रहे थे कि सर आपको इतनी जल्दी गाड़ी मिल रही है, अभी आपको पीडीआई करने आओगे आपको टॉप को भी टाइम लगेगा, हमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, दशहरे पर उनको आई गेस 70 या 80 गाड़ी डिलीवर करनी थी एक दिन में, तो इसी वजह से मेरे को लगा कि चलो ठीक है अभी पीडीआई नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट डिलीवरी के टाइम पर गाड़ी पहले चेक कर लेंगे। और वहाँ पर भी मैं थोड़ा जल्दबाजी में गाड़ी पूरी चेक करी बट मैंने बूट चेक नहीं किया, और अब आप मानेंगे नहीं लेकिन मेरे गाड़ी के अंदर बूट के अंदर जो अपनी स्टेपनी होती है वो जंग खा रखी थी, मतलब रस्टें हो रखी थी, उस पर जंग लगा हुआ था, रस्ट हो रहा हुआ था। तो उसका मैं वीडियो शायद दिखाता हूँ आपको भी, उसका वीडियो भी मैं डाल क्लिप में डाल दूंगा दिखाने के लिए कि वो वीडियो में कैसे वो दिख रहा है आपको जंग लगा हुआ। तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, गाड़ियाँ स्टॉक यार्ड में खड़ी रहती हैं, टायर्स वगैरह उनके पड़े रहते हैं पहले से, तो वो आ जाती हैं, इस तरह के टायर लग जाते हैं। और जैसे मैंने उनको फॉक्सवैगन को ये रेज करी कंप्लेंट, उन्होंने मेरे को बोला सर जैसे भी आप या तो हम आपके ऑफिस या घर आके गाड़ी ले जाते हैं और लगा के दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप शोरूम पे आ जाइए जैसे भी। तो मेरे को लगा ठीक है जाके कर लेता हूँ, तो मैं वीकेंड पे फिर उनके पास गया एक दिन, और मतलब कहने की बात ये कि मेरा किसी भी तरह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। एक तो डाउनटाउन फॉक्सवैगन बहुत ही अच्छा शोरूम, हर तरह से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एकदम प्रीमियम वे में आपको डील करते हैं, चाय कॉफ़ी भी इतनी ज़्यादा पिलाते हैं, इतना बोलते हैं, मतलब वो तो चलो साइड की बात है, बट ये कि हाँ जब मैंने गाड़ी ले ली उसके बाद भी उनका सब कुछ अच्छा था, सेल्स टीम भी सही थी, बस हाँ ठीक है उनका एक सेल्स का बंदा था वो थोड़ा सा टाइम पे परसू नहीं कर पाया उस चीज़ को। तो फिर मैंने उनके हेड ऑफिस से बात की सीधा कि भाई ऐसे से मेरी स्टेपनी खराब है तो आप मेरे को टाइम पे चेंज कर दो, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर मेरे को डिलीवर चेंज कर दी, तो वो बात भी खत्म हो गई। तो अब आते हैं वापस अपनी बात पे कि गाड़ी अब चल चुकी है 2200 से 2300 किलोमीटर, और पहली बार जर्मन गाड़ी चला रहा हूँ, स्वीडन गाड़ी चला रहा हूँ, और मेरी इस 2200 किलोमीटर के अंदर आप ये मानो कि 2200 किलोमीटर गाड़ी चली है, और इस 2200 किलोमीटर 2300 किलोमीटर की ट्रैवल में एक बार बस मैं आउटस्कर्ट्स पे या बॉम्बे से बाहर लोनावला गया हूँ गाड़ी को लेके, अदरवाइज ये मोर ओवर गाड़ी सारी की सारी पूरे बॉम्बे में ही चली है, मतलब मैं इसको लेके बोरीवली भी गया हूँ, मैं इसको लेके मीरा रोड भी गया हूँ, मैं इसको लेके न्यू बॉम्बे के एरियाज में भी गया हूँ, मैं पनवेल में भी गया हूँ इसको लेके, मतलब मैं हर तरफ गया हूँ, खारघर, कलमबोली, फोर्ट में मेरा ऑफिस है मैं वहाँ भी जाता हूँ उसको लेके, वाइफ के ऑफिस है परेल वहाँ भी जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल पूरे बॉम्बे में ही गाड़ी चली, और सिटी ट्रैफिक था फुल, सिटी ट्रैफिक, सिटी ड्राइव फुल। और इस बात पे मैं अब इसके बाद मैं आप ये बताना चाहूँगा कि जैसे पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, जैसे शुरू शुरू मेरे को भी लगा कि यार अभी आप डीजल चला रहे हो अचानक से आप पेट्रोल पे आ गए, तो वो एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक डिफरेंस था जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग पेट्रोल से पेट्रोल पे आते हैं, डीजल पे आते हैं, वो पर्सनल चॉइस होती है, बट मैंने भी गाड़ी मेरे को पसंद आई तो मैंने पेट्रोल के लिए मैं रेडी हुआ। और वैसे भी अभी जब इतना पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का इतना इशू चल रहा है तो मैं तो ये बोलूँगा कि सबको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर ईवी ले रहे हो तो ईवी ले लो, या पेट्रोल लेके सीएनजी करा रहे हो वो आपका पर्सनल स्टैंड है, बट डीजल गाड़ी तो मत ही लो। तो अभी पेट्रोल गाड़ी मैंने ली, अभी 2200-2300 किलोमीटर के ड्राइव में मेरे को शुरू में इसने एवरेज निकाली आप ये लगा लो 7 से 8 सिटी में, 7-8-9 मैक्सिमम 10 कभी थोड़ा ट्रैफिक कम रहा। तो अब जो लोग बॉम्बे में रहते हैं या बॉम्बे कभी आए उनको पता है कि फ्रीवे एक जगह है, फ्रीवे वाला एक अलग सा हाईवे है जो कि 40 तक जाता है थाने से, तो मैं उसी से जाता हूँ रोज ऑफिस, तो वहाँ पे मेरे को एवरेज थोड़ी सी रहती है क्योंकि वो गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट आराम से चलती है, इतना ट्रैफिक नहीं रहता, रोड बहुत अच्छी क्वालिटी की और उस पर एलर्ट्स वगैरह भी नहीं, ओनली कार्स आर अलाउड ऑन दैट फ्रीवे, तो वो आप आइडिया लगा लेंगे। तो अभी मेरे को वहाँ पे 8 की एवरेज दे रही थी, फिर मेरे को धीरे धीरे कैसे पता लगा, और मेरे को भी ऐसा लग रहा था, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि इंजन धीरे धीरे रवा होता है तो गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो चलने के बाद गाड़ी का एवरेज किस तरह से बढ़ता है वो सब गाड़ियों में सेम ही होता है, वो टाटा महिंद्रा हो, स्कोडा फॉक्सवैगन हो, हुंडई मारुति हो, कुछ भी हो, सब में सेम है, ठीक है। तो अब उस बात में आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इनिशियली ये एवरेज थी 8 से 10 की, फिर 10 से थोड़ी सी 12 हुई, लेकिन 10 से 12 के बीच की हुई, फिर इसका आ गया जनरल चेकअप जो कि 1000 किलोमीटर पर इनका एक चेकअप होता है, बेसिक कुछ नहीं करते उसमें, बस गाड़ी वॉश कर देते हैं, मेन चीज़ें चेक कर लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ नहीं करते, पूरी चेकलिस्ट है 7-8 पेज की, फॉक्सवैगन काफ़ी अच्छा खासा चेक करते हैं सब कुछ, बट आपको ऐसा लगता है कि बस हमारी गाड़ी वैसी चल रही है, वो बस आपसे पूछते हैं दैट इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू तो मैं बता दो, कुछ इंजन लाइट एरर आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में या किस तरह का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है या आपको कुछ मतलब कुछ आपको कुछ अलग सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दो, तो वो सब कर देते हैं। बाकी उनका एक बेसिक चेकअप होता है, उसमें उन्होंने मेरे को काफ़ी इतनी बड़ी इतना बड़ा मोटा बंडल दिया उन्होंने 7-8 पेज का, जिसमें पूरी चेकलिस्ट है प्रॉपर कि क्या क्या चीज़ें चेक हुई है, तो देर आर सेवरल न्यूमरस आइटम्स, तो बहुत कुछ चेक करते हैं वो। गाड़ी एकदम ओके थी मेरी, तो मेरे को उन्होंने वो कर दी, तो वो भी मेरा हो गया चेक 1200 किलोमीटर, और अभी ये 2000 से ऊपर हो गई है, तो 2000 किलोमीटर कोई छोटी चीज़ नहीं है उस तरह से नई गाड़ी के लिए तो आप चलाते हो, और वो भी जब आप गाड़ी के शौकीन हो, आप गाड़ी की नॉलेज है और आप गाड़ी को अलग अलग एरियाज में लेके गए हो, तो मेरे को लगा कि मेरे को एटलीस्ट अभी थोड़ा सा अर्ली हो गया शायद ये, तो लेकिन पता नहीं अर्ली बोलेंगे कुछ लोग 1500 किलोमीटर पर शेयर करते हैं, और मोस्टली मैंने देखा भी है जो बड़े मतलब जितने भी अच्छे मतलब जो लोग थोड़े से जो ज्ञानी आदमी है कार्स मोटरमोबाइल के, वो भी यही बोलते हैं कि 1500 से 2000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी आप एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो और आपको आइडिया हो जाता है अपनी गाड़ी का
कि गाड़ी कैसे चल रही है, तो आप उसमें प्रॉब्लम्स या कुछ बेनिफिट्स या किस तरह की गाड़ी है सब बता सकते हो। तो इसीलिए तो मैं बता रहा था एवरेज, तो एवरेज इस गाड़ी का 8 से 10 था, 10 से 12 हुआ। और अभी ये मेरे को कितना भी, मैं कितना भी रैश ड्राइविंग कह लो, रैश तो नहीं बोलेंगे उसको, बट कितना भी फास्ट चला लो या थोड़ा मार्केट में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला लो, कैसा भी हो, 13 से 14 की एवरेज ये बड़ी प्यार से निकाल ही रही है। इवन आज भी मैं चेंबूर से न्यू बॉम्बे आया हूँ, ठीक है, तो न्यू बॉम्बे में हम यहाँ पे कुछ पर्सनल काम से आए हुए थे, तो हमें टाइम मिला तो मेरे को लगा चलो भाई, मैंने बोला वाइफ को कि एक वीडियो भी निकाल लेते हैं, एटलीस्ट अभी 2000 किलोमीटर हो गए हैं तो अभी जल्दी भाई बनाते हैं, फिर ज़्यादा लेट करने से फायदा नहीं है। तो एक टाइम आ गया था तो मैंने कहा एक ओनरशिप रिव्यू का वीडियो, एक बेसिक बेसिक डिटेल वाला, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी इंजन में कुछ नहीं बताऊँगा, डिस्प्ले कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाऊँगा, तो गाड़ी चल रही है चल रही है, गाड़ी में क्या ही फर्क पड़ेगा। अभी नेक्स्ट सर्विस, इसकी सर्विस कह लो, वो भी सर्विस नहीं है, एक सिंपल चेकअप है, वो है इसका 7500 किलोमीटर पे। तो 7500 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद, उसके बाद में अभी ये इसका एक जनरल चेकअप होगा, फिर 1500 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाएगी 1500 किलोमीटर, तब इसका एक प्रॉपर ऑयल चेंज वाली प्रॉपर सर्विस होगी। और एक बात तो बोलना चाहूँगा कि जो गाड़ी लोग ले रहे हैं वर्टस या फॉक्सवैगन या इसकी गाड़ी खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं उनके पास अगर एक महीना हुआ है तो वो, और जिन्होंने खरीदने वाले हैं वो लोग, वो क्या है कि इसका जो सर्विस पैकेज है वो ज़रूर लें। जैसे जी टी के लिए 26,000 का है, हाईलाइन के लिए 30,000 का है शायद, और ये मेरे जो टॉपलाइन ली हुई ऑटोमेटिक तो इसका 32,000 का है, तो ये आप जो इसका सर्विस पैकेज है ये ज़रूर लें, क्योंकि इसमें वो मेन मेन चीज़ें इंजन ऑयल से लेके गियर ऑयल से लेके सब कुछ वो कवर कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, आप तो सबको पता भी है सब कंपनियाँ ऑफर करती हैं, बट मेरे को इस बार पहली बार ऐसा लगा कि कोई कंपनी जो ऑफर दे रही है वो ऑफर नहीं कहेंगे इसको, एक सर्विस ही है जिसको आप पे करके ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी उसमें पूरा वो प्रूव हो रहा है ऑन पेपर भी, और एक्चुअल में भी आप जब होगा जब देखेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने देखे एक दो वीडियोज़ मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं कि कुछ लोगों ने शायद 15,000 सर्विस कराई है, उनका भी कुछ बिल नहीं आया, 400-500 रुपये उनका नॉमिनल जो बेसिक कुछ उनसे लिया या 70-80 रुपये लिया, कुछ लिया ही नहीं उनसे, क्योंकि आपने वन टाइम सर्विस पैकेज लिया है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल तक आपको गाड़ी की वो चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ब्रेक ऑयल हो, 2 बार शायद ब्रेक ऑयल भी चेंज होगा उसमें, इंजन ऑयल भी चेंज होगा, और आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हो तो उसके तो मेंटेनेंस पता ही आपको। तो अगर वो कहीं ना कहीं अगर मेरे से उन्होंने 32,000 रुपये लिए हैं और अगर मैं ये पैसे नहीं देता, तो ये बात तो श्योर है कि अगले 4 साल में नाना करते भी कम से कम कैसे भी 60-70,000 का खर्चा, तो खर्चा नहीं कहेंगे उसको, मेंटेनेंस कॉस्ट वो मेरे लगनी ही थी इन ए वे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बच गई। तो 32,000 रुपये के अंदर आपका बहुत ही प्यार से ये चीज़ ईजिली मैनेज होगी। और जो लोग अभी नई नई गाड़ी चला रहे हैं उनको मैं बोल सकता हूँ कि सर्विस को लेकर टेंशन मत लो, और घर वालों को भी मत बोलो कि पापा गाड़ी ली थी आपने दिलाई थी या सर्विस एवरेज कम दे रही है या वो पूछते हो, कभी कम से कम उसको 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला लो, 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने जाएगी तो वो एवरेज थोड़ी सी बढ़ेगी, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार हमने इतना पैसा दिया है तो भाई हमें उतना मिल रहा है बगल में, बाकी आप सेडान गाड़ी चला रहे हो 500 लीटर का बूट स्पेस है तो वो सब चीज़ें गाड़ी में है, तो वो सब चीज़ें आप कंसीडर करो और फिर बोलो कि यार सब कुछ चाहिए लेकिन एवरेज भी चाहिए। अभी इंडियंस की मेंटेलिटी भी अपनी ऐसी है सबकी कि भाई अभी सब कुछ चाहिए लेकिन कम पैसे में, लुक्स पूरे अच्छे चाहिए लेकिन कम पैसे में, तो अब कम पैसे करते करते अभी इन्होंने इतना सस्ता तो कर दिया गाड़ी को फॉक्सवैगन ने अपना, लेकिन कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं की है। पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको कुछ आप इस पर कमेंट भी कर सकते हो कि यार नहीं मेरी गाड़ी में ये इशू आया या हमारी गाड़ी में कुछ हिल रहा है या ख़राब हो रहा है या हमने डिलीवरी के 2 दिन बाद ही हमारी अच्छी प्रॉब्लम हुई, तो आप कमेंट में बता सकते हो और आप बात भी करो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल एज ए सिंगल पर्सन कि मैंने गाड़ी ली और ये गाड़ी मैंने खरीदी और मैं अब इसको चला रहा हूँ 1.5 महीने से, अभी 5 तारीख को मेरे को 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने मतलब लगा लो 55 डेज हो गए मेरे को गाड़ी चलाते हुए, 55 डेज में मैंने इसको चला दिया है अबव 2000। तो उस हिसाब से एक ओनरशिप रिव्यू तो बनता ही बनता था, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आज ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा इसको, बस ऑलमोस्ट मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ, बस इतना ही है कि ये जो मेन इशू थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा बाकी अब सनरूफ वाली गाड़ी है, अच्छा बूट है, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, फैमिली के साथ, पेट के साथ, बच्चे के साथ, सीनियर सिटीजन वाली एज के पेरेंट्स के साथ, कैसे भी आप गाड़ी में आराम से घूमोगे, आराम से गाड़ी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, सस्पेंशन तो खैर मैं पर्सनली बोलूँगा कि सस्पेंशन तो बहुत ही अच्छा है और मैं हुंडई चला रहा हूँ 7-8 साल से, तो मैं वही बोलूँगा कि उनमें कुछ कमी नहीं थी, बट ये थोड़ा सा उससे अच्छा ही है, कुछ प्लस ही हुआ है मतलब, तो हर तरह से ये मानो कि हम कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट ही हुआ है हर चीज़ में मेरे को, और जितने मैंने पैसे दिए हैं उस हिसाब से मेरे को चीज़ इतनी मिली है, उससे ज़्यादा ही मिली है मेरे को, तो ये मालूम था। आप लोग आप बता सकते हो अपने अपना रिव्यू, अपना अपना व्यू कि भैया आप अपने आप व्यू बता सकते हो इस बात पे कि भैया हमें तो ऐसा लग रहा था कि नहीं है, हमें तो ये ऐसा मिलना चाहिए था या वैसा मिलना चाहिए था, अभी स्कोडा खरीदते हो या फॉक्सन खरीदते हो और फिर कॉस्ट सोच के खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं अब वो इशू नहीं रहा कि भाई गाड़ी महंगी पड़ती है या जर्मन है तो हाथी है बस खरीद लो लेकिन पालना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं लग रहा अभी तक नहीं है। बाकी आप जो आपका यूसेज है, आप गाड़ी जितनी चलाते हो और जितनी चलाते हो और डेली उससे आप जब पेट्रोल डलवाओगे वो आपका पर्सनल है कि भाई आप अभी गाड़ी महंगी ले ली तो कम चलाओगे, ऐसा तो कोई होता नहीं है, इसको गाड़ी लेके जाना है वो जाएगा, अगर उसको गाड़ी लेके ऑफिस जाना है या मम्मी को डॉक्टर के पास जाना लेके जाना है या बीवी को मायके लेके जाना है वो तो गाड़ी तो लेके जाएगा कहीं भी जाएगा, वो गाड़ी चलाना छोड़ेगा तो नहीं। तो बस मेरा कहना इतना सही है कि गाड़ी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली चलाओ और एवरेज के थोड़ा वेट करो,
दो तीन किलोमीटर चली, गाड़ी एवरेज भी देगी, गाड़ी कंफर्टेबल भी है और इंजन बहुत ही रिस्पेंसिव और स्टेयरिंग इतना ज़्यादा बढ़िया है, इट ग्रोज ऑन यू, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वो धीरे धीरे आपको लगेगा, जैसे आपको शुरू में लगेगा स्टेयरिंग बहुत हल्का है, अब आप 20-30 की स्पीड चला रहे हो 1000 RPM के अंदर हो आप, फिर धीरे धीरे RPM जाता है 1500 पे 1700 पे, उसके बाद गाड़ी अचानक से वो लैग, जो मामूली सा लैग फील हो रहा था आपको 0.5% या 1% लैग फील हो रहा था, लैग है नहीं वैसे गाड़ी में ऑटोमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट जो हल्का सा लैग लगेगा आपको कि एकदम वो जो डीजल वाला या वो पेट्रोल का जो प्रॉपर जो एक थर्स्ट जो एक प्रॉपर फील होता है थ्रॉटल फुल, वो नहीं फील होगा आपको उतना 100%, लेकिन 95% आपको फील होगा, वो 5% की कमी मान सकते हैं हम, तो वो आप जब गाड़ी चलाते हो तेज तो उस टाइम आपको एकदम प्रॉपर लगेगा, और स्टीयरिंग जैसे जैसे 50-60 स्पीड पे जाएगी स्टीयरिंग आपका हैवी होता जाएगा, और 70-80 के बाद आपको एकदम ऐसा कमांडिंग पोजीशन में आ जाओगे आप, और एकदम आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप स्टीयरिंग आराम से आप ही गाड़ी चला रहे हो, वो तो चला ही रहे हो वैसे भी आप ही चला रहे हो, बट आपको फील होगा कि हाँ गाड़ी मेरे कंट्रोल में है और मैं जैसे बोल रहा हूँ गाड़ी वैसे चल रही है, एकदम स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रही और एकदम प्रॉपर रॉकेट की स्पीड से चलती है 70-80 के बाद, ठीक है। तो वो तो खैर आप 70-80 चलाओ, 50-60 चलाओ, कितना भी चलाओ, और एवरेज तो आप इतना कम चलाओगे उतना अच्छा चलेगी, बट मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का करीब करीब 2200 किलोमीटर के हिसाब से 2300 किलोमीटर के हिसाब से मेरे को अभी 14-15 का एवरेज निकाल रही है, और हाईवे पे मैं गया था तो मेरे को वहाँ 17-18 भी इसने शो किया है, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से मैं तो हर तरह से थम्स अप फॉर फॉक्सवैगन एंड फॉर वोल्टास। थैंक्स गाइस, ओके बाय।